हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑन क्लास मैथ्स विद भवकनी सर, जहां हम आपके लिए बनाते हैं मैथ्स को बहुत आसान। तो आज हम करने वाले हैं क्लास टेंथ चैप्टर फाइव का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हम क्वेश्चन 2 तक अपनी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देख ली होंगी। अब नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन 3 को। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम कौन सा पोर्शन पढ़ रहे हैं, हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का सम आजकल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो nth टर्म के सम से ही आपका रिलेटेड ये एक्सरसाइज है। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप कैसे हैंडल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बहुत सारे ऐसी वैल्यू आपको दी हुई है, उन वैल्यू से आपसे कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, तो आपको वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इस क्वेश्चन 3 में देखिए क्या आपको दिया हुआ है। आपको फर्स्ट टर्म a = 3 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 आपको दिया हुआ है। ठीक है, आपको nth टर्म की वैल्यू दी है 50 और आपसे कह रहा है कि आपको n निकालना है और sn निकालना है। इसका मतलब यह है कि nth टर्म आपके पास 50 है, a आपके पास दिया है, d आपके पास दिया है, तो सीधा n की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप nth टर्म वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, nth टर्म वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो हमने लिखा था जैसे an की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है 50। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म का फॉर्मूला, वो आपके पास है a + n-1 d = हमारे पास nth टर्म क्या है 50 है, उसकी वैल्यू कितनी है 50, an की वैल्यू, चलो an लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं देन उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 5, प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, और d हमारे पास दिया हुआ है 3 एंड an की वैल्यू हमारे पास 50। इसे इधर ले जाया जाएगा तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा और 50 में से हम 5 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 45 एंड n-1 = 45 में डिवाइड कर लेंगे 3 से और ये आ जाएगा आपके पास 15। सो n की वैल्यू हमारे पास इजीली आ गई है 15 + 1 = 16। तो इसका मतलब यह है कि इस AP में 16 टर्म हमारे पास हैं। अब एक चीज़ तो हमारी निकल के आ चुकी है, n की वैल्यू हमारे पास 16, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है, फर्स्ट हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आपसे पूछता है कि sn क्या है। sn को हम क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ nth टर्म। तो सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है। देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास, ये देखिए क्वेश्चन को थोड़ा समझिए आप होने को इससे उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। sn = जो हमारा फॉर्मूला था n/2 2a + n-1 d, इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। बट हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन से बचना है, अगर हो सकता है तो, अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ दी हैं कि आप बच सकते हैं तो आप उससे बचने की कोशिश कीजिए। तो आप ये देखिए कि इस एपी में जो लास्ट टर्म है, मीन जो 16th वाला टर्म है, वो 50 है। फर्स्ट टर्म भी आपको गिवन है, एन भी आपको पता है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था sn = हमने फॉर्मूला यहाँ पढ़ा था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में, मीन्स n/2 और a + l पढ़ा था। ठीक है, आपको याद होगा, मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको बेसिक बताया था। तो अगर नहीं पढ़ा है तो जाके एक बार बेसिक की वीडियो आप जरूर देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा n/2, अब n की वैल्यू अभी हमने निकाली है 16। ओके, a होता है फर्स्ट टर्म, वो हमारा 5 है, एंड l जो हमारा लास्ट वाला टर्म है, जो भी हमने निकाला है, l होता है हमारा लास्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा 8 times, और यहाँ पर आ जाएगा sn = 8 × 55 एंड 8 × 55 की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी 440। इट मीन्स द सम ऑफ nth टर्म कितना आ गया है, 440 आ गया है। और इसको आप n की जगह पर भी यहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, 16 यूज़ कर लेंगे, क्योंकि 16 टर्म्स का हम सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो में समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए और उत्साह से और अच्छे तरीके से आपके सामने कंटेंट लेके आते हैं। तो सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। अब सेकंड वाले पार्ट को आप देखते हैं कि किस तरीके से हमें करेंगे। a = आपको दिया हुआ है a 13, आपको 13 वाला टर्म दे रखा है। ठीक है, और आपसे कह रहा है कि आप d निकालिए, इसमें आपको d निकालना है, कॉमन डिफरेंस, और जो 13 टर्म है उनका आपको सम में निकालना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम nth टर्म, देखिए a 13 आपको दिया हुआ है, देखिए a की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू ऑफ a = पास है 7, और 13 को हम क्या लिखते हैं, a 13 को हम लिखते हैं a + 12 d लिखते हैं। ठीक है, a + 12 d लिखते हैं,
तो इसकी वैल्यू कितने आपके पास है, 35। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 12d = 35, और 12d = हो जाएगा आपके पास 35 - 7, ठीक है, 35 - 7, और 35 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 28, और d = हम इजीली निकाल लेंगे 28/12, और इसको हम थोड़ा सा अगर सिंपल फॉर्म में अगर लाना चाहें तो ये हो जाएगा आपका 7/3। तो ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट हमने इस क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि 13th टर्म का सम क्या होगा, 13 जो 13 पद हैं उनका सम क्या होगा। तो इतना तो कन्फर्म है कि आपसे जब एस 13 पूछ रहा है तो आपको ये पता है कि जो एन की वैल्यू है वो 13 है, ठीक है, आपको ये पता है कि 13 है और ये उसका लास्ट टर्म होगा। अगर 13th हमारे दिया हुआ है, n = 13 है, एस मतलब 13 पदों का योग निकालना है और लास्ट वहाँ जो 13 वाला टर्म है वो 35 है, तो लास्ट टर्म हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन है, तो सीधा यहाँ पर S13 का फॉर्मूला हम जो अभी बताया था मैंने आपको n/2, ये हो जाएगा आपका a + l, सीधा से फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर आपका n की वैल्यू है 13/2 और a की वैल्यू आपके पास आ गई है 7 प्लस आपके पास 13 टर्म है 35, तो ये हो जाएगा आपका S13 = 13/2 और multiply by 42। इसको यहाँ से करेंगे तो जाएगा 21, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 21 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 13 से तो आ जाएगा 273, यही हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। 13 टर्म्स का जो सम है 273 आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजीली आप इन क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। जिसने वीडियो हमारी देखी होंगी बेसिक्स वाली, उनको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एक बार प्रीवियस में बेसिक वाले आप जो वीडियोस हैं उनको जरूर जाके देखें, जो नए हैं जो सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं एपी को वो जरूर एक बार बेसिक वाली वीडियो देखें। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट देखते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में आपके पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो आपको a 12 की वैल्यू गिवन है, आपको d की वैल्यू गिवन है, आपको s 12 निकालना है, मीन्स 12 टर्म्स का सम आपको निकालना है, ठीक है। तो a 12 आपको पता है तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, a + 11d लिख सकता हूँ, = 37 हो जाएगा, और d की वैल्यू यहाँ रख लीजिए तो a + 11 × 3 = 37 और ये आ जाए आपका आ जाएगा आपके पास a + 33 = 37। सो द वैल्यू ऑफ a हमारे पास आ गया है 37 - 33, मतलब आ गया है आपका 4। ए की वैल्यू हमने 4 निकाल दी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, इसमें S12 निकालना है, S12। तो S12 निकालने के लिए मैं आपको क्या करना है, 12 टर्म्स का सम निकालना है। तो S12 का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये हो जाएगा आपका n/2 2a + n - 1d, ठीक है। तो यहाँ पे S12 हमारा निकल जाएगा S12 की वैल्यू है आपके पास 12, n की वैल्यू है 12 और ये हो जाएगा 2 × 4 + 12 - 1 एंड d की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये हो जाएगा आपका 6, 8 + 11 होने देना हो जाएगा 33 और 6, इसको आप ऐड कर लीजिए ये आ जाएगा 41 और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 246। ये आ गया है आपका रिक्वायर्ड आंसर, मीन्स S12 जो है हमारे पास वो आ गया 246। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इजीली हमने इसे कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपके पास देखिए क्या है, इस क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है। a3 आपके सामने है तो a + 2d हो गया मेरे पास, a + 2d = 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो a = आपके पास क्या जाएगा 15 - 2d आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई हमारे पास, यहाँ पर इक्वेशन बना के चलिए आप। और S10 है हमारे पास, S10 हमें निकालना है, तो S10 अभी अगर मुझे दिया है तो मैं अगर S10 के लिए यहाँ पर लिखूँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 (10/2), ठीक है, 2a 2 × a हमें नहीं पता है, n - 1 कितना है 10 - 1 एंड d हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और S10 की वैल्यू 125, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 125 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ये हो गया 2a + 9d = 125 एंड इस a को यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ 5 से यहाँ डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 2a + 9d = 125/5, यह आएगा 2a + 9d
और ये आएगा आपका 25। तो इक्वेशन नंबर टू आ गई स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन फर्स्ट से ए की वैल्यू यहाँ पुट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आएगा 2 × a की जगह हम लिख देंगे 15 − 2d + 9d इक्वल टू 25। इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जाएगा 30 − 4d + 9d इक्वल टू 25। और ये आपके बाद अगर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 30 + 5d इक्वल टू 25। ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ये आ जाएगा आपके पास 5d इक्वल टू 25 − 35 मीन्स -5 एंड d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी −5/5। तो d हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया -1, d की वैल्यू हमारे पास आ गई है -1, ठीक है। अब d की वैल्यू हमारे पास आ गई, हमने निकालना है इसमें d और एटा निकालना। d तो हमने निकाल दिया भाई, तो हमने d की वैल्यू तो हमने कितना निकाल लिया -1, ये तो कंप्लीट आ गया। अब हमें निकालनी a tan की वैल्यू। तो a tan कैसे लिखा जाता है, a tan इक्वल टू कैसे लिखा जाता है, a प्लस 90 लिखते हैं, ठीक है। a प्लस क्या लिखते हैं, 90। अच्छा एक बात काम करते हैं, भैया हमें a भी नहीं पता है, यहाँ पे हम a नहीं पता है, इस d की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, वहाँ से a की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसके लिए पहले a निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास a इक्वल टू 15 − 2 × d, d हमारे पास -1, यह आएगा 15 + 2 दिस इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू आ गई है 17, ठीक है। अब आसानी से हम निकालेंगे कौन सा, a tan को क्या लिखते हैं, a प्लस 90। तो a की वैल्यू आपकी 17 एंड प्लस 9 × d आपके पास है -1, तो ये आ गया आपका 17 − 9। इट मीन्स a tan इक्वल टू आपके आ गया 8। a tan की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो आ गई है 8। तो ठीक है, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सो स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं, तो देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें a गिवन है, हमें s9 गिवन है एंड हमें a एंड d निकालना है, nth टर्म निकालना है, ठीक है। तो कैसे किस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा, सबसे पहले s9 जो हमें गिवन है उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। तो s9 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, सीधा मैं n की वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखता हूँ, 9/2, ठीक है, 2a + 9 − 1 डी हमारे पास है 5, ठीक है, दिस इक्वल टू 75। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 75। तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 2a + 40 = 75। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा एंड 9 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 150/9। और यहाँ से मैं 2a की अगर वैल्यू निकाल लूँ, 2a = मेरे पास आ जाएगा 150/9 − 40, ठीक है। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ माइनस आ जाएगा 360/9। अब 150 में से 360 को आप माइनस कर लीजिए तो ये आएगा −210/9। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं, 3 से सिंपल कर सकते हैं, 3 × 3 = 7 0, तो ये आ गया आपका −70/3, −70/3, ठीक है। और अभी 2 हमारे पास इधर रखा हुआ है, तो a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आएगा −70/3 और 2 यहाँ हो जाएगा डिवाइड, 2 से ये कंप्लीट हो जाएगा 35 टाइम्स, ये हो जाएगा −35/3। ये आ गई है वैल्यू हमारे पास a की, ठीक है। तो ये आपको a निकालना था, तो आपका फर्स्ट पार्ट हमने निकाल दिया है। अब आपको निकालना है a9, तो a9 का फॉर्मूला आप लिखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ a = −35/3। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी हमें पड़ेगी, ओके। अब हम s9 लिखते हैं, तो s9 की फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a9 इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, a + 8d, ये निकालना है। a की वैल्यू आपके पास आ गई है −35/3 + 8 × d आपके पास क्या दिया हुआ है, 5। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा a9 = −35/40/3, तो −35 इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 120/3। तो 125 में से आप माइनस कर लीजिए 35, तो ये आ जाएगा आपका 85/3। तो यही वैल्यू है हमारे पास a9 की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स पार्ट, तो सिक्स पार्ट में देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है।
सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें ए की वैल्यू 2 दी हुई है, डी की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, हमें एस एन की वैल्यू, एन टर्म्स का जो सम है वो 90 दिया हुआ है। आपको यहाँ पर एन और ए एन आपको निकालना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा, देखिए समझिए ध्यान से, कि आप सबसे पहले इस एस एन का फॉर्मूला लिख लीजिए। तो एस एन इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, और इसकी वैल्यू हमें कितना दी है, 90 दी हुई है। ठीक है, हमने वैल्यू रख दी। अब एस एन हमें नहीं पता है तो हम यहाँ पर एन बाई टू को सेम ऐसे लिखते रहेंगे, टू मल्टीप्लाई टू, ए की वैल्यू हमें पता है 2 है, प्लस एन हमें नहीं पता है तो एन की वैल्यू आप सेम लिखते रहिए, और डी की वैल्यू हमें पता है 8 है तो 8 लिख लेंगे। ओके, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को ज़रा सा। इसमें थोड़ा सा इस 2 को यहाँ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके 4 प्लस 8 एन माइनस 8, इस ब्रैकेट को मैंने ओपन कर दिया, और ये हो जाएगा 180, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8n माइनस 4 इक्वल टू 180। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n इक्वल टू 180। अब इसे देखिए 4 से हम थोड़ा सिंपल कर सकते हैं, 4 से तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n, और 4 का यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 45। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके की आपके यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करना सीखा है, पहले आपको सिखाया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करनी नहीं आती होगी, 9th क्लास में आपके है नहीं आती होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सा तरीका है कि 2 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 90 आएगा, और माइनस 90 के ऐसे फैक्टर आपने करने हैं, 90 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास 90 आ जाए, और अगर इनको सबट्रैक्ट करूँ तो 1 आ जाए। तो 10 मल्टीप्लाई 9 क्या होता है 90, और 10 में से अगर 9 को माइनस करें तो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2n स्क्वायर, मैं इस n की जगह पर जो 1 है यहाँ पर मैं 10 माइनस 9 लिखने जा रहा हूँ। ओके, एंड ये 45 दिस इक्वल टू 0। तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इनके यहाँ पर दो दो के पेयर बना दीजिए, तो पेयर बनाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हम इसे कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2n कॉमन आ गया, n माइनस हो जाएगा हमारे पास 5, प्लस 9 यहाँ पर कॉमन ले लीजिए हो जाएगा n माइनस 5। तो एक बार हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर फिर को देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, एक तो n माइनस 5 हमारे पास कॉमन आ रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है 2n प्लस 9, यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास 2n प्लस 9, ये आ गया। अब ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये है इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक एक करके ना 0 करते हैं, n माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है, और अगर मैं 2n प्लस 9 को 0 करूँ तो n की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स माइनस 9 बाई 2। ये पॉसिबल नहीं है, देखिए n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती है क्योंकि वो नंबर ऑफ टर्म्स होती है। तो n इक्वल टू 5 हमारे यहाँ पर रहेगा, तो n की वैल्यू हमने निकाल दी है। अब आपसे पूछा है कि a5 निकालिए, a5 तो ये क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ये आप यहाँ पर निकाल लेंगे, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, प्लस 5 मीन्स 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 4, 4 मल्टीप्लाई डी आपके पास है 8, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 32 दिस इक्वल टू 34, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से जो a5 की वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 34। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो स्टूडेंट्स, आते हैं 7th पार्ट पे। तो 7th पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, देखिए a दिया हुआ है, an 62 दिया हुआ है, nth टर्म आपको दिया हुआ है, और nth टर्म का जो सम है वो 210 आपको दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ पर n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, और आपको कॉमन डिफरेंस यहाँ पर निकालना है। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एस एन इक्वल टू दिया है 210। ओके, नाउ अब यहाँ पर हम इजीली क्या कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, ए प्लस एल एन बाई टू ए प्लस एल, और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होती है, एस एन की इक्वल होती है, और एस एन की वैल्यू आपको कितनी दी है 210 दी हुई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वैल्यू रखते हैं एन बाई टू, ए की वैल्यू है 8, एल मीन्स जो लास्ट आपका टर्म है nth टर्म जो बोलते हैं वो आपका आ जाएगा 62, एंड दिस इक्वल टू 210। एंड n की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये आ जाएगा 70, एंड 2 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, सॉरी 2 यहाँ पर चल जाएगा मल्टीप्लाई में,
एंड एन की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 210 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 70, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स और एन की वैल्यू आपके सामने आ गई है 6। तो नंबर ऑफ टाइम्स हमारा एन 6 निकल चुका है। अब आपसे कह रहा है कि आपको डी निकालना है, तो सीधा आप एन एथ टर्म का फॉर्मूला यहाँ पर लगा लीजिए। ए एन की वैल्यू आपके पास 62 पहले दी हुई है, तो सीधा हमारे पास क्या सारी चीज़ें हमारे पास हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ए एन, एन एथ टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 8 है और एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है, और डी हमारे पास है, डी है हमारे पास कितना, डी हमें निकालना है। ए एन की वैल्यू 62 दी हुई है, तो इस 8 को चले जाएंगे तो जाएगा 5D इक्वल टू 62 माइनस 8, ये हो जाएगा आपका 54, एंड D इक्वल टू हो जाएगा 54 अपॉन 5, यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ये D की वैल्यू है और N की वैल्यू हमने क्या निकाली, 6। यही चीज़ आपको निकालनी थी, N और D। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना ना भूलें, बार बार आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम पूरे जोश के साथ आपके सामने कंटेंट लेके आते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझा पाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं एट्थ वाले में क्या दिया हुआ है। एट्थ वाले पार्ट में स्टूडेंट्स हमको दिया हुआ है कि ए एन की वैल्यू दी है, डी की वैल्यू हमें दी है 2 और एस एन की वैल्यू दी है -14। हमसे कह रहा है आप निकालिए एन और ए की वैल्यू निकालिए, तो बहुत सावधानी से इन क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले nth टर्म का फॉर्मूला हमको पता है क्या, a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू होता है ए एन। ओके, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इस वैल्यू को पुट करके देखिए, तो a की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है तो a को हम सेम लिख लेते हैं, n भी हमको पता नहीं है तो n माइनस वन लिख लेते हैं, और d हमारे पास 2 है, ए एन जो लास्ट टर्म होता है ए एन वो हमारे पास लिख लिया हमने 4। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 4, और a इक्वल टू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 2n। तो इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास, वैल्यू ऑफ a यहाँ पर इजीली हम निकाल सकते हैं 6 माइनस 2n आ गया 6 माइनस 2n। ओके स्टूडेंट्स, तो a की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दी है, आपको nth टर्म का सम दिया हुआ है, तो यहाँ पर nth टर्म का सम लगाइए, और आपको लास्ट टर्म भी गिवन है तो आप सीधा जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एडिशन वाला होता है वह फॉर्मूला वो वाला आप यहाँ पर लगा सकते हैं, मींस ये वाला n बाई 2 ए प्लस एल इस तरीके से, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, -14 दी हुई है। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं तो ये हो जाएगा n बाई 2, n बाई 2 इसको इम्प्लाइज दैट लिख देते हैं, ये हो जाएगा n बाई 2, ए की वैल्यू जो ये भी हमने लिखी है यहाँ से आएगी 6 माइनस 2n प्लस एल जो है हमारे पास, एल हमारे पास लास्ट ईयर टर्म है 4। ठीक है, दिस इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -14, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज एन बाई 2, ये आएगा -2n प्लस 10 इक्वल टू -14। इस 2 को आप यहाँ से हटा के सीधा यहाँ मल्टीप्लाई में लगा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n स्क्वायर प्लस 10n इक्वल टू -28। तो इस सारी वैल्यू को हम यहाँ लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2n स्क्वायर -10n एंड -28। तो ये हमारे पास बन गई फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करने का तरीका, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 56। ठीक है, इनको यहाँ ऐसे 2 से इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं तो हमारा कैलकुलेशन ये हो जाएगा, 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं ईजिली, ये डिवाइड हो जाता है तो इसको 14 कर लेते हैं। अब 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें, 14 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 7 2 14 एंड 7 2 क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस 5 की जगह लिख दूंगा 7 2 एन -14 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। यहाँ से इनका दोनों का क्या बना लीजिए, इन दोनों का पेयर बना लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा n, हो जाएगा n माइनस 7 प्लस 2n माइनस 7। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपने पढ़ा होगा, जिसे नहीं आता है वो बच्चा जरूर यहाँ पर कमेंट करे, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ ये कॉमन आ चुकी है, हो गया n प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए आप खुद देखिए, n की वैल्यू यहाँ से 7 आएगी, जब मैं n माइनस 7 को इक्वल टू 0 करूँगा तो n की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 7, और जब मैं n प्लस 2 को 0 करूँगा तो मेरे पास n की वैल्यू आएगी -2। देखिए ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, बट ये हो सकता है।
एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7। अब इसमें हमने क्या निकालना है, इसमें ए निकालना है, तो ए निकालना है, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, इस जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी ए की वैल्यू, ये वाला खत्म, हमने ए इक्वल टू 6 - 2n लिखा था, बस यहाँ पर आप क्या करिए इस n की वैल्यू को रख लीजिए, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 6 - 2n, 2 मल्टीप्लाई n आ गया हमारे पास 7, तो 6 - 14 और ये हमारे पास आ जाएगा -8, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -8। ठीक है, तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली है और n की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई थी 7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट टू पार्ट्स पे। सो स्टूडेंट, 9th पार्ट में आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू 9, ए इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, एस एन इक्वल टू 192 और डी की वैल्यू आपको यहाँ पे निकालनी है। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप जब को आप एन टर्म का सम दिया, तो आप एन टर्म का सम का यहाँ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, मीन्स एस एन इक्वल टू आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे एन बाई टू, और कहीं बार लास्ट में हमें दिया नहीं है तो हम सीधा जो हमारा जो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है उसको लगाएंगे। ये जो हमने फॉर्मूला सीखा था, जो मेन फॉर्मूला है उसको आप लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसकी आपकी वैल्यू दी है 192, तो इसकी वैल्यू मैं रख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 100 एन बाई टू। सबसे पहले एन बाई टू लिख लेते हैं, तो एन बाई टू, एन हमारे पास है 8/2, 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास है 3 प्लस एन, एन हमारे पास है 8 - 1 और डी हमारे पास को डी कैलकुलेट करना है और ये हमारे पास दिया हुआ 192। ओके, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 और ये 4 यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 + 7d इक्वल टू 192/4। 4 को हम यहाँ लेके आ गए, तो 192 पर जब 4 का डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 48। एंड 7d की वैल्यू हम ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा 48 - 6, दिस इक्वल टू 42। एंड द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू हो जाएगा 42/7, दिस इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू ही हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी थी और d की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हमने इजीली इस क्वेश्चन को कर लिया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, 10th पार्ट पे। सो स्टूडेंट्स, आप देखिए 10th पार्ट पे, 10th पार्ट में एल इक्वल टू 28 मीन्स आपको देखो लास्ट टर्म दिया हुआ है, तो लास्ट टर्म जहाँ पर आपको दिया होगा तो आपको पता है कि सम में आपने लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा देना है। मीन्स कौन सा वाला, एस एन इक्वल टू कौन सा होता है, एन बाई टू ए प्लस एल। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगा देना है। अब एस एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 144, एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 इसने बोला हुआ है। देखो एन बोला है कि इस देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो यहाँ पर आपको 9 टर्म्स दे दिया है, मीन्स एन की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो अगर 9/2 ए हमारे पास क्या है, ए हमें नहीं पता है, ए यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि फाइंड ए, एल मीन्स लास्ट टर्म, एल जो होता है वो हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, और इसकी जो वैल्यू देखिए वो देखिए 144। तो a प्लस 28 दिस इक्वल टू 144, यहाँ 2 जाएगा मल्टीप्लाई में और 9 जाएगा यहाँ पर डिवाइड में, तो 144 अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 32। एंड द वैल्यू ऑफ a आप यहाँ निकालेंगे तो आएगा 32 - 28 दिस इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू हमारे पास ये आ गई स्टूडेंट, 4 आ गई है। तो इस तरीके से हमने इजीली अपने आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।